केंद्र सरकार ने हाल ही में विपणन सीजन 2024-25 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। इन रबी फसलों में जौ भी शामिल है। रबी जौ की एमएसपी साल 2023-24 के दौरान 1,735 रुपये प्रति क्विंटल थी, जिसे 115 रुपये बढ़ाकर 1,850 रुपये प्रति क्विंटल तय कर दिया गया है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में जौ की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। भाव की बात करें तो एग मार्केट के मुताबिक सोमवार को राजस्थान की विजयनगर मंडी में जौ का भाव रहा 1,750 रुपये, वहीं मालपुरा मंडी में इसका भाव रहा 1,830 रुपये। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में जौ के सौदे 2,080 रुपये पर हुए, जबकि राज्य की ही रायबरेली मंडी में जौ के सौदे 2,130 रुपये पर हुए। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से साल 2023-24 के लिए दूसरे अनुमान को जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक देश में रबी जौ की पैदावार साल 2023-24 के दौरान 22.24 लाख टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी जौ की उपज 19.13 लाख टन रही थी। वहीं साल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय अनाज उत्पादों में बढ़ोतरी हुई है। एबिडा के मुताबिक भारत ने साल 2022-23 के दौरान 3,801.18 मीट्रिक टन के निहित अनाजों जैसे चावल, गेहूं, मक्का और श्री अन्न यानी मिलेट्स का निर्यात किया है, जिसकी कीमत 27.40 करोड़ रुपये है।